और फ्रांस का दो दिन का दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं। सऊदी अरब में प्रधानमंत्री की यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10:45 पर यूएई पहुंच जाएंगे। तो फ्रांस में अपनी यात्रा को विराम देने से पहले प्रधानमंत्री पेरिस के लूवर म्यूजियम पहुंचे, जहां उनके सम्मान में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बैंक्वेट डिनर का आयोजन किया था। जहां पहले से इमैनुअल मैक्रों अपनी पत्नी के साथ पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी के पहुंचने पर पति पत्नी ने उनका स्वागत किया और फिर वे अन्य अतिथियों के साथ लूवर म्यूजियम के अंदर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने बैस्टिल डे पर फ्रांस के लोगों को बधाई दी और उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाने के लिए भी भारतीयों की ओर से धन्यवाद कहा। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को विश्व शांति के लिए अहम बताया। वर्तमान समय में भी हम एक साथ विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत और फ्रांस के बीच बने अगले 25 साल के रोड मैप को पूरी दुनिया के लिए अहम बताया। और भारत और फ्रांस के बीच बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। भारत की फ्रांस से जेट इंजन बनाने की डील हो गई है। इससे पहले भारत ने अमेरिका के साथ जेट इंजन बनाने का बड़ा समझौता किया था। डीआरडीओ और सैंटोस का रोडमैप तैयार करेंगे। इसके अलावा 3 पनडुब्बी बनाने पर भी समझौता हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने फ्रांस के साथ बहुत बड़ी डील कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर अमेरिका की तरफ से फ्रांस से भी भारत में जेट इंजन विकसित करने की एक योजना पर समझौता हुआ, जिसका मकसद है फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का विस्तार करना। दरअसल भारत और फ्रांस ने 2047 तक रणनीतिक साझेदारी का रोड मैप तैयार किया, जिसके तहत अगले 25 साल के रणनीतिक समझौते का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसे खास तौर पर जेट इंजन, हेलीकॉप्टर के इंजन और सबमरीन पर साथ काम करने का खाका खींचा जाएगा। इस साल के अंत तक जेट इंजन पर एक रोड मैप तैयार होगा। फ्रांस की कंपनी सैफो और डीआरडीओ के बीच समझौता हुआ है। भारत ने फ्रांस से 36 रफाल फाइटर जेट खरीदे हैं और अब दोनों देश मिलकर लड़ाकू विमानों का इंजन तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में जेट इंजन को साथ में विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है, जिससे भविष्य में भारत में रफाल जैसे लड़ाकू विमान के इंजन तैयार हो सकेंगे। वहीं 2047 के विजन डॉक्यूमेंट के तहत फ्रांस के साथ और भी कई रणनीति समझौतों पर आगे बढ़ने की डील हो चुकी है, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी साथ मिलकर काम करने पर सहमति बन चुकी है और 2 अहम डिफेंस डील को भी अंजाम दिया गया, जिसमें शामिल है बहुत ही महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर इंजन की डील। भारत में इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इंजन का एक कार्यक्रम चल रहा है और उसी के साथ फ्रांस की कंपनी जुड़ गई है। सैफो हेलीकॉप्टर इंजन और एचएएल के बीच समझौता हुआ। दोनों कंपनियां हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का इंजन बनाएंगी। भारत और फ्रांस की कंपनियों की ये डील रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अहम कदम है।